हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करी हूँ नेट सर्फ के एक और प्रोडक्ट का रिव्यू। तो आज है मेरे पास इनका एक फेस वॉश। तो ये है हर्ब्स एंड मोर विटामिन थेरेपी फेस वॉश फॉर हर 100% नेचुरल एक्सट्रैक्ट, डीप क्लेंजिंग, एंटी पोल्यूशन, हाइड्रेटिंग, नेचुरल ग्लो। और ये है हनी एंड लीची का। तो पैकेजिंग आप देख सकते हैं इसकी, इस तरह की ट्यूब पैकेजिंग में आता है ये। फेस वॉश मैं काफ़ी टाइम से इस्तेमाल करी, ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है ये। प्राइस की बात कर लेते हैं इसकी, तो ये 220 रुपीज़ का, 2 साल की शेल्फ लाइफ के साथ आता है। 100 ग्राम प्रोडक्ट क्वांटिटी है और यहाँ पर इसके पीछे इसकी सारी डिटेल्स वगैरह सब कुछ मेंशन किया गया है, आप चाहो तो चेक कर सकते हो। अ हाइड्रेटिंग एंड एंटी पोल्यूशन फेस वॉश स्पेशली क्राफ्टेड फॉर फीमेल स्किन फॉर जेंटल क्लेंजिंग एंड नरिशमेंट एनरिच्ड विथ लीची, हनी, नीम, तुलसी एंड वीट प्रोटीन एंड विटामिन B3 एंड ई, pH बैलेंस्ड, पैराबेन फ्री फॉर्मुलेशन। एंड यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स वगैरह भी मेंशन किए गए हैं, आप देख सकते हैं, और इसे कैसे इस्तेमाल करना है वो सब भी मेंशन किया गया है। तो ये फेस वॉश मैं काफ़ी टाइम से इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ इसकी कंसिस्टेंसी, तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का फेस वॉश है ये। इस फेस वॉश को मैं काफ़ी टाइम से इस्तेमाल कर रही हूँ, तभी जाके आपके साथ इसका रिव्यू शेयर करी हूँ। जिन लोगों की स्किन सेंसिटिव है या फिर ड्राई है और जिनकी स्किन पर कुछ भी सूट नहीं होता, उनके लिए ये फेस वॉश मुझे काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगा। और क्योंकि मेरी स्किन ऑयली है तो मेरी स्किन पर ये फेस वॉश इतना अच्छा वर्क नहीं करता, क्योंकि काफ़ी जेंटल है और इतनी अच्छी तरह से ऑयल को रिमूव नहीं कर पाता। पर जिनकी ड्राई, सेंसिटिव या फिर नॉर्मल स्किन है, उनकी स्किन पर ये चलेगा। बट अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, आपको पिंपल्स की प्रॉब्लम है, ऑयल की प्रॉब्लम है, मुझे नहीं लगता ये आपकी स्किन पर सही से वर्क करेगा, क्योंकि मेरी स्किन पर भी इतना कुछ खास वर्क नहीं करता ये। और फ्रेग्रेंस की बात करें इसकी, तो बिल्कुल लीची एंड हनी की ही फ्रेग्रेंस है इसकी, बट ये पैराबिन फ्री है। तो जो लोग पैराबिन फ्री प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करना पसंद करते हैं, तो उनके लिए ये फेस वॉश काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। तो अगर आपकी स्किन सेंसिटिव टाइप है और आपकी स्किन पर कुछ भी सूट नहीं हो रहा है, तो वो लोग इसे बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही जेंटल है ये स्किन पर एंड लेदर भी काफ़ी अच्छा करता है। स्किन का जो pH बैलेंस है उसको मेंटेन रखता है, ऐसा नहीं कि इससे इस्तेमाल करने के बाद आपकी स्किन ड्राई आउट हो जाएगी, मॉइस्चर को भी ये मेंटेन रखता है। बट मुझे ऑयल की ही थोड़ी प्रॉब्लम लगी इसकी, कि इसे इस्तेमाल करने के बाद भी आपकी स्किन पर थोड़ा बहुत ऑयल रह जाता है, बहुत अच्छी तरह से नहीं निकलता। तो उस हिसाब से मुझे ये ठीक ठाक लगा। तो अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप इसे यूज़ ना करें, और ड्राई एंड सेंसिटिव स्किन वाले इसे आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप इस तरह का कोई फेस वॉश चाहते हैं जो बहुत ही माइल्ड हो एंड पैराबिन फ्री हो, तो आप इसे ट्राई कर सकते हो। तो ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।